अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोग कैसे हैं? चलिए आज मैं आपको बिल्कुल बाज़ार के जैसी पापड़ी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही क्रिस्पी, जिसको हम दही भल्लों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और दही में डाल के भी। इसके लिए हमको 3 कप्स वाइट फ्लोर चाहिए होगा, क्लेरिफाइड बटर चाहिए होगा और अजवाइन चाहिए होगी और नमक चाहिए होगा 1-1 टीस्पून। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे नीडिंग पैन में, इसमें नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब नमक मिक्स हो जाए तो इसमें हम अजवाइन डालेंगे और फिर अजवाइन डाल के भी मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें 90 ग्राम के करीब क्लेरिफाइड बटर डाल देंगे, हल्के हल्के डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। अब बटर डालने की वजह से इसमें थोड़े से लम्ब्स पड़ने का डर होता है, तो हमें इसे दोनों हाथों से रब करके इसके लम्ब्स को ख़त्म करना है। अब हम पानी ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, हमें टाइट डो बनाना है, तो जैसे जैसे आप डो बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे पानी की कैसी ज़रूरत है, उसी तरीके से आप डो बनाते रहिए, नीट करते रहिए अच्छी तरीके से, कि जब तक कि ये बिल्कुल एक स्मूथ नीडिंग डो ना बन जाए, इसमें कोई खुश्की ना रहे, बिल्कुल चिकना हो जाए। अगर आप देखें आपको ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा घी भी डाल दीजिए, अगर आपको लगता है अभी अंदर खुश्की है और अभी वो चिकनाहट नहीं आई है। अब हम एक फ्लैट सरफेस पर इसको रगड़ रगड़ के नीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ले लें अगर आपको ज़रूरत पड़े। ये देखें एक बहुत ही सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको एक पैन में रख कर ढक के 20 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। आफ्टर रेस्ट हम इसको नीट करेंगे दोबारा और एक रोल बनाकर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जिस हिसाब से हमको पापड़ी बनानी है। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, जिस हिसाब से बनानी है इस तरह से बॉल्स बना के रख लेंगे। बॉल बनाने के बाद अब हमको हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेना है, उस सरफेस पे लगाना है जहाँ हमको इसको बेलना है। अब हम इसको छोटे छोटे बॉल्स को बेलना शुरू करेंगे और रोटी की थिकनेस के हिसाब से बेल लेंगे और इसमें फॉक से इस छेद कर देंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि ये फूलेगी नहीं बहुत ज़्यादा और करारी हो जाएगी जब हम इसको तलेंगे। दोनों साइड से हमको फॉक की मदद से इसमें होल कर देने हैं। और अब हम इसको एक ट्रे में अरेंज कर लेंगे। अब ये रेडी हो गई है फ्राई होने के लिए। चलिए अब हम तेल गरम करते हैं। तेल को हमको मीडियम टू लो आंच पे गरम करना है, तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अगर तेज़ बहुत ज़्यादा गरम होगा तो ये बिल्कुल पूरियों की तरह फूल जाएंगी, अगर हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची भी नहीं रहेंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरीक़े से इनका बाज़ार जैसी पापड़ी का कलर आ गया है। अब हम इसको छान कर अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बन रही है। इंजॉय कीजिए।